गुड इवनिंग क्लास, मैं कुलदीप सर आप सभी का झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की अब तक हमने कितनी क्लासें पढ़ ली हैं? 5 क्लासें पढ़ ली हैं। आज 6वीं क्लास है। अभी थोड़ी देर पहले का मतलब 3 या 4 बजे हम सभी ने मिलकर 3 वीडियो डाले हैं जिसमें सिंपलीफिकेशन के छोटे छोटे तरीके लिखे हैं मैंने, राजीव सर ने और प्रखर सर ने। तो आप सभी लोग उन वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो हम इस प्रकार के आपको छोटे छोटे सिंपलीफिकेशन के वीडियो ऐसे बना के देते रहेंगे। इससे आपका सिंपलीफिकेशन बहुत मजबूत हो जाएगा और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आप सिंपलीफिकेशन सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो आज का स्टार्ट करते हैं अपना टाइम एंड वर्क का अगला 6वां टाइप। सही है, कौन सा? 6वां। 6वां टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मतलब 6वीं क्लास स्टार्ट करते हैं। और टाइप आज क्या है? महिला पुरुष और बच्चों की कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न होंगे, यानी इनकी तुलना पर आधारित प्रश्न होंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 4 पुरुष या 6 औरतें एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 11 औरतें इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? हम इस क्वेश्चन को क्या है, दो तरह से कर सकते हैं। कितने तरह से कर सकते हैं? दो तरह से। लेकिन पहले वाला तरीका चाहे कितने भी लोग हों, पुरुष महिला और बच्चे हों, तब भी यूज होगा। लेकिन दूसरा वाला तरीका कि जब दो ही प्रकार के लोग होंगे तब यूज होगा। तो पहले वाला तरीका देखते हैं, फिर दूसरा तरीका देखते हैं। तो देखो पहला तरीका क्या है, ये कह रहे हैं 4 पुरुष, अगर 4 पुरुष किसी काम को करने आएंगे तो 20 दिन का समय लेंगे, बट इसी काम को 6 महिलाएँ करने आएंगी तो भी कितने दिन का समय लेंगी? 20 दिन का समय लेंगी। तो यहाँ से हम क्या है, एक पुरुष और एक महिला के काम करें इसी निकाल देंगे, यानी एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, ये आ जाएगा पुरुष अपॉन महिला बराबर 3/2, यानी एक पुरुष एक दिन में 3 काम करेगा, एक महिला एक दिन में 2 काम करेगी। सही, एक पुरुष एक दिन में 3 काम करेगा, एक महिला एक दिन में 2 काम करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी तुलना कर देंगे। तो हमने तुलना की, तो हमने यहाँ से एक समीकरण लिया, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, जिससे पूरा काम आ जाएगा। तो 4m × 20 बराबर, अब देखो 6 पुरुष हैं और 11 महिलाएं हैं, तो हमने क्या किया, 6 पुरुष ले लिए प्लस 11 महिलाएं ले ली, इनटू का एक्स दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, एक्स दिन में। अब देखो एम की जगह एम की वैल्यू डालेंगे, तो एम की वैल्यू कितनी है, एम बराबर 3, तो 4 × 3 = 12 इनटू का 20 बराबर, यहाँ एम की जगह एम की वैल्यू डालेंगे, तो एम की वैल्यू कितनी, 3, तो 6 × 3 = 18 और 11 × 2 = 22 इनटू का एक्स, तो हो जाएगा हमारा 12 × 20 बराबर का 22 × 18 = 40 × x, 20 × 2 = 40 और 2 × 12, तो x वाला कितना आ गया बेटा, 6 दिन। कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। यानी जिस कार्य को करने के लिए 4 पुरुष 20 दिन लेते हैं, उसी कार्य को करने के लिए 6 महिलाएं 20 दिन लेती हैं। लेकिन अगर उसी कार्य को 6 पुरुष और 11 महिलाएं मिलकर करेंगी तो कितने दिन का समय लगेगा, केवल 6 दिन का समय लगेगा। और कैसे निकाला, हमने दोनों के रेशियो बना दिए, यानी दोनों की तुलना कर दी, एक एक दिन का कार्य निकाल दिया और वैल्यू लगा दी। अब देखो इसका दूसरा तरीका, हमने बताया था दूसरा तरीका बताएंगे, तो दूसरा तरीका देखो कितना सिंपल सा है, लेकिन वो जब ही का लगेगा जब दो दो लोग दिए होंगे, 3 लोग दिए होंगे तो ये तरीका काम नहीं करेगा, बट सीखे ले रहे हैं क्वेश्चन, तो एक तरह के तो पूरे क्वेश्चन काम करेगा। तो देखो क्या करेंगे, हम सीधा सीधा पहली वाली लिखेंगे, 4 पुरुष 6 महिलाएँ बराबर का 20 दिन। तो हमने मान लिया 6 पुरुष और 11 महिलाएँ बराबर का एक्स दिन। सही है, अब देखो हमने क्या किया, पहली वाली लाइन सीधी सीधी लिख दी, यानी मल्टीप्लाई में 4 × 6 × 20 / x बराबर। अब देखो हम क्या करेंगे, इन महिलाओं को इन पुरुषों से गुणा और इन महिलाओं का इन पुरुषों से गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6×36 + 11 = 44। ठीक, तो अगली लाइन क्या आ जाएगी, अगली लाइन में आ जाएगा हमारा एक्स बराबर 4 × 6 × 20 / 36 = 44, क्या हो जाएगा, 80, 20 × 80 और 4 × 4 कैंसिल, क्या आ गया बेटा, 6 दिन। सही, क्या होगा, 6 दिन। आया समझ में? एक और अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट, सेम, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बस वैल्यू चेंज होंगी, तो सभी लोग आंसर बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करें फटाफट, जिससे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि कल तुम्हें इस टॉपिक की जो मैंने करा रहा हूँ इसकी PDF मिल जाए। PDF किस पे, टेलीग्राम पे मिलेगी, किस पे मिलेगी, टेलीग्राम पे। और अभी जो 2 घंटे पहले वीडियो डाले हैं वो सभी लोग वीडियो देखेंगे और उन्हें लाइक और सब्सक्राइब शेयर करेंगे। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखें, कहाँ है ब्लैक मार्कर। देखो 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक कार्य को
12 दिन में, कितने दिन में, 12 दिन में पूरा करती हैं, तो दो पुरुष और चार महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो सीधा सीधा लॉजिक है हमारा क्या है, पहली वाली लाइन लिखेंगे 5 मैन और 8 वुमेन, यहाँ कोई निशान नहीं आएगा क्योंकि या लगा है, तो या लिखो तो सही, नहीं लिखो तो सही, क्योंकि ये तो एक लॉजिक है, बराबर का बार है। अब देखो ये कह रहे हैं दो पुरुष, सही कितने पुरुष, दो पुरुष और चार महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेंगी, तो हमने मान लिया 1 दिन में करेंगे। तो अगली इक्वेशन लिखते हैं इस सीधी सीधी लाइन को, इसको सीधा सीधा लिखेंगे 5 × 8 × 12 अपॉन, इसका इससे गुणा करेंगे 5 × 24 प्लस, प्लस में लिखते हैं सही, ध्यान रखना, इसका इससे गुणा करेंगे 8 × 2 = 16 एक्स बराबर, तो ये एक्स बराबर आ जाएगा 5 × 12 × 8 या 5 × 8 × 12 बटे 36, 12 × 36 सही है, 12 × 36 कितना आ गया 36, दिखाई दे रहा है, सही दिखाई दे रहा है, बराबर 8 × 5 = 40/3 दिन, 40/3 कितना आ जाएगा 3 दिन आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया, ऑप्शन पर डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन में ये आंसर दिया सही है, ये नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा, 3 × 3 कितने बचे, 3 × 3 = 9 = 13 सही है, 1/3 दिन जो ऑप्शन में दिया हो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सही बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं एक और सेम, पाँच 8 × 12 कैंसिल, 2 × 4 कैंसिल। अब देखो क्या है क्वेश्चन हमारा, ये कह रहे हैं कि 5 पुरुष अथवा 6 बच्चे, 5 पुरुष अथवा 6 बच्चे एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 पुरुष और 8 बच्चे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो सीधी सीधी इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 पुरुष और 6 बच्चे बराबर 16 दिन, फिर 12 पुरुष और 8 बच्चे बराबर x दिन, ठीक। अब देखो 5 × 6 × 16 अपॉन x बराबर, से बटे में क्या आ जाएगा, इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे, 12 × 6 = 72 सही है, 8 × 5 = 40 तो x बराबर 5 × 6 × 16 बराबर 2 × 7 = 11 कोई दिक्कत यहाँ तक, दिखाई दे रहा है 112 है, सही क्या हो जाएगा 5 × 6 × 16 बटे 72 × 40 सॉरी 72 + 40 कितना हो जाएगा 112 ठीक है। अब देखो कैंसिल करते हैं, 16 से कर दो, 8 से कर दो, 8 × 2 = 16 8 × 8 कितने बचे 3, 8 × 4 = 32 2 × 7 = 14 यह आ जाएगा 6 × 5 = 30/7 दिन से कितना आ जाएगा 6 × 5 = 30/7 दिन कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट करें। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, स्टार लगा देना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, इच्छा है लगा देना स्टार, ओके चलो मैंने लगा दिया ठीक है। 2 आदमी किसी कार्य को 3 दिन में कॉमा, जबकि
तीन औरत इसी तीन औरत इसी तीन औरत इसी कार्य को तीन औरत इसी कार्य को चार दिन में तथा चार बच्चे इसी कार्य को छह दिन में पूरा करते हैं तो पूरा करते हैं तो बताएं कि तो बताएं कि एक आदमी और दो बच्चे एक आदमी और दो बच्चे मिलकर एक आदमी और दो बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सही है, तो बताएं एक आदमी और दो बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले हमारा तरीका वही रहेगा, इनका एक एक तुलना करके इनका एक एक दिन का काम निकालेंगे। सही, तुलना करके क्या करेंगे, इनका एक एक दिन की कार्य क्षमता निकाल देंगे। तो देखो ये कह रहे हैं कि दो आदमी यानी कि टू मैन किसी कार्य को तीन दिन में बराबर तीन औरतें उसी कार्य को चार दिन में बराबर चार बच्चे उसी कार्य को छह दिन में समाप्त करते हैं। सही, चार बच्चे उसी कार्य को छह दिन में समाप्त करते हैं। दोबारा देख लो, टू मैन यानी दो आदमी किसी कार्य को तीन दिन में बराबर तीन औरतें उसी कार्य को चार दिन में बराबर चार बच्चे उसी कार्य को छह दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनके एक ही दिन का रेशियो निकाल देंगे। तो हमने इनकी कैलकुलेशन की, तो देखो दो एकन दो, दो दूनी चार और दो दूनी चार, तीन से काट दो, तीन एकन तीन, तीन से तीन कैंसिल और तीन दूनी छः, ये आ जाएगा हमारा m बराबर का 2w बराबर का 4b। इनका रेशियो लेंगे, तो रेशियो लेने वाले तो मैं बताया था, बराबर से अनुपात में चेंज करेंगे तो m अनुपात w अनुपात b। सही है, क्या लिखेंगे, पलट के लिख देंगे, एक बटे एक अनुपात एक बटे दो अनुपात एक बटे चार, चार एलसीएम आ जाएगा, तो चार इंटू चार इंटू चार, चार से चार बार कैंसिल अनुपात, चार से दो बार कैंसिल अनुपात, चार से एक बार कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, चार अनुपात दो अनुपात एक। अच्छे समझना, मैं जो करा रहा हूँ यही इसका सबसे सिंपल और सबसे छोटा तरीका है, इसके अलावा कोई भी इसका दूसरा इससे छोटा तरीका नहीं है। अब देखो, चाहे तो इसे ले लो, चाहे इसे ले लो, चाहे इसे ले लो और तुलना करवा दो, यही हमारा टोटल काम हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, 2m into का 3, ये हमारा टोटल काम हो गया। बराबर किससे तुलना करवानी है, एक आदमी और दो बच्चे, एक मैन प्लस टू बॉय into का x दिन, कितने दिन में, x दिन में। तो m की वैल्यू रखो, m की वैल्यू कितनी है, चार, तो दो गुणा चार गुणा तीन बराबर, यहाँ m की वैल्यू रखेंगे कितनी आ जाएगी, चार, प्लस b की वैल्यू रखेंगे कितनी, एक, तो दो एकन दो इंटू का एक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा दो गुणा चार गुणा तीन बराबर का छः इंटू एक्स, तीन दूनी छः दो एकन दो, तो एक्स और क्या आ गया, चार दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, चार दिन में। सही है, दोबारा समझ लो, दो आदमी किसी कार्य को तीन दिन में जबकि तीन औरतें इसी कार्य को चार दिन में तथा चार बच्चे इसी कार्य को छः दिन में पूरा करते हैं, तो बताएं कि एक आदमी और दो बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमने क्या किया, दो आदमी तीन दिन में, तीन औरत चार दिन में और चार बच्चे छः दिन में, यहाँ से क्या किया, इनके एक एक दिन की कार्य क्षमता निकाल दी। तो एक दिन में चार काम करेगा, डब्ल्यू यानी औरत एक दिन में दो काम करेगी, और एक आदमी यानी एक आदमी का, एक औरत का और एक बच्चे का एक एक दिन का काम निकाला,
एक औरत एक दिन में, एक आदमी एक दिन में चार काम करेगा, एक औरत एक दिन में दो काम करेगी और एक बच्चा एक दिन में एक काम करेगा। वैल्यू लगाएंगे आंसर आ जाएगा, टोटल वैल्यू यहाँ से कहीं से भी रख दो टोटल काम मिल जाएगा और दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर देंगे। सही है, आया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन सेम है, बस वैल्यू चेंज करेंगे। देखो दो आदमी किसी कार्य को तीन दिन में, जबकि पांच औरतें इसी कार्य को चार दिन में तथा चार बच्चे इसी कार्य को छह दिन में करते हैं, तो बताएं एक आदमी तो बताएं एक आदमी कॉमा एक औरत और दो बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करें। देखो करते हैं, सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा सा चेंज है। तो देखो बेटा, दो मैन कितने दिन में, तीन दिन में, ठीक बराबर। पांच वुमेन कितने दिन में, चार दिन में बराबर। चार बच्चे कितने दिन में, छह दिन में। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो दो एकन दो, दो दूनी चार और दो दूनी चार, ये आ जाएगा हमारा 3m बराबर का 10w बराबर का तुम्हारा आ जाएगा 6 × 12। सही है, कितने हैं, चार बच्चे छः दिन, सही, कितना आ जाएगा 12 भी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखियो, अब इनके रेशियो बनाएंगे तो हमने लिखा m अनुपात w अनुपात b। सही है, तो देखो ये आ जाएगा 1/3 अनुपात 1/10 अनुपात 1/12। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सही, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 60 × 60 × 60 × 60। 30 से 20 बार कैंसिल, 10 से 6 बार कैंसिल, 12 से 5 बार कैंसिल। सही है बेटा, तो देखो इनके रेशियो आ गए, एक आदमी एक दिन में 20 काम करेगा, एक औरत एक दिन में 6 काम करेगी और एक बच्चा एक दिन में 5 काम करेगा। सही है, एक औरत एक दिन में 20 काम करेगी, एक आदमी एक दिन में 20 काम करेगा, एक औरत एक दिन में 6 काम करेगी और एक बच्चा एक दिन में 5 काम करेगा। अब देखो चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे चाहे ऐसे, तो हमने ये वाली इक्वेशन ले ली और हमने क्या लिखा, दो एम इंटू का 3 बराबर एम एक आदमी प्लस एक औरत प्लस दो बच्चे इंटू का एक्स दिन, तो एम की वैल्यू कितनी है 20। अब एम की वैल्यू 20 है तो 20 × 40 इंटू का 3 बराबर। अब देखो 20 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 6 प्लस 5 × 10 इंटू का एक्स, तो आ जाएगा तुम्हारा 40 × 3 बराबर 36 इंटू का एक्स। ठीक है, 4 × 10 बार कैंसिल, 4 × 9 बार कैंसिल, 3 × 9 तो एक्स वाला क्या आ गया 10/3 दिन, या 3 × 1/3 दिन जो ऑप्शन में दिया हो। सही है, देखो कैलकुलेशन समझ आई, 4 × 10 बार कैंसिल हो गया, 4 × 40 4 × 36 3 × 9 तो एक्स वाला क्या आ गया 10/3 दिन या 3 × 1/3 दिन। आया बेटा समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट करें फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लें। देखो इन क्वेश्चनों को ये सबसे छोटे तरीके, इससे छोटा कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि भाई देखो पेपर में क्वेश्चन तो आता ही है तो कराना तो है ही। मैंने पहले ही कहा था A to Z क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। सही है, कल इसके आगे करेंगे मजदूरों पर आधारित प्रश्न, यानी फॉर्मूले वाले, एक मजदूर दो मजदूर 15 आदमी इतने दिन में करते हैं तो 16 आदमी कितने दिन में करेंगे। सही है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखें फटाफट।
देखा अगला क्वेश्चन। दो आदमी और तीन बच्चे मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, तथा तीन आदमी और दो बच्चे मिलकर इसी कार्य को 8 दिन करते हैं, इसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो दो आदमी और एक बच्चा मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सही है। अब देखो समझो, यहां कहीं भी अथवा और या नहीं लगा। क्या नहीं लगा? अथवा और या नहीं लगा। अथवा और या नहीं लगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे तरीके से करेंगे, तुलना अभी भी करेंगे। क्या करेंगे? करेंगे तुलना ही। तो देखो कैसे करेंगे तुलना। ये कह रहे हैं दो आदमी और तीन बच्चे। सही बेटा, दो आदमी और तीन बच्चे। तो देखो 2m प्लस का 3b, अगर किसी काम को करें तो कितने दिन में कर देते हैं? 10 दिन में कर देते हैं। ये हमारा टोटल काम हो गया। अगर इसी काम को बराबर 3m, तीन आदमी हो गए, अब कितने आदमी हो गए? 3m, 3m प्लस का 2b अगर करते हैं तो कितने दिन का समय लेते हैं? 8 दिन का समय लेते हैं। अब देखो इन दोनों की हमने तुलना कर दी, जैसे इन दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? एक एक दिन का कार्य निकाल देंगे। क्या करेंगे? एक एक दिन का, एक दिन का एक बच्चे का काम और एक दिन का एक आदमी का काम। तो हमने तुलना की तो देखो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 गुणा किया, 5 दूनी 10m प्लस का 5 3 15 भी बराबर, 4 3 12m प्लस का 4 2 8 भी, ये धराएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? माइनस के 2m बराबर, ये उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के कितने बचेंगे? 7b, क्योंकि 12 में से 10 गए 2 और 15 में से 8 गए 7, माइनस से माइनस कैंसिल, m अपॉन b बराबर क्या आ गया बेटा? 7/2, यानी एक आदमी एक दिन में 7 काम करेगा और एक बच्चा एक दिन में 2 काम करेगा, बस हो गया सिंपल। अब देखो हमें तुलना करवानी है, तो चाहे तो ये वाली इक्वेशन ले लो तुलना करने के लिए और चाहे तो ये वाली ले लो। तो हमने ये वाली इक्वेशन ले ली, तो हमने क्या लिया? 2m प्लस का 3b से हमने क्या लिया? 2m प्लस का 3b सही, कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। तो हमने मान लिया बराबर 2m प्लस b एक बच्चा कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे। सही, कितने दिन में करेंगे? x दिन में। कैलकुलेशन करते हैं, देखो m की जगह m की वैल्यू रखिए, m की वैल्यू कितनी है? m बराबर 7, तो 7 2 14 प्लस b की वैल्यू कितनी है? 2, तो 3 2 6 इंटू का 10 बराबर m की वैल्यू कितनी? 7, तो 7 2 14 प्लस b की वैल्यू कितनी? 2, तो 2 इंटू का x, ये हो जाएगा तुम्हारा 14 और 6 20 इंटू 10 बराबर का 16 इंटू x। ठीक है, तो देखो 4 से 8, 4 चौक 16 और 4 चौक 16,
चार पंजे 20 और चार चौक 16, दो दूनी चार, दो पंजे 10, तो एक्स वाला क्या आ गया बेटा 25 बटे 2 दिन, या 12 सही 1 बटे 2 दिन। सही है, क्या रहेगा 12 सही 1 बटे 2 दिन। आया समझ में? ये हमारा सिंपल सा तरीका, कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो दोबारा समझ लो, हमने क्या किया, ये कह रहे हैं दो आदमी और तीन बच्चे मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो दो आदमी प्लस तीन बच्चे मिलकर 10 दिन में, तीन आदमी और दो बच्चे मिलकर इस कार्य को 8 दिन में, तो तीन आदमी और दो बच्चे मिलकर इस कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो दो आदमी और एक बच्चा मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक, तो पहले हमने क्या किया, इन दोनों समीकरण की तुलना करके एक आदमी का और एक बच्चे का एक एक दिन का काम निकाल लिया। अब बराबर 2m प्लस 3 बराबर इंटू 10 बराबर 2m प्लस 3 बराबर x सॉल्व किया तो क्या आ गया 25 बटे 2 से कितना आएगा 25 बटे 2। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम रहेगा, बस अंक चेंज होंगे तो अंक हटा देते हैं। ये हमने अंक हटा दिए, लिखते हैं अगली वैल्यू, दूसरे अंक। बारह आदमी और 16 बच्चे मिलकर किसी कार्य को 5 दिन, 13 आदमी और 24 बच्चे 24 बच्चे मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में, तो 7 आदमी और 10 बच्चे से 7 आदमी और 10 बच्चे। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है, सेम करेंगे, सब सेम है। तो देखो हमने क्या लिखा, 12 आदमी, रेड दिखाई दे रहा, दे रहा है, प्लस 16 बच्चे करते हैं हमारे कितने दिन में, 5 दिन में, बराबर 13 आदमी प्लस 24 बच्चे करेंगे 4 दिन में। ठीक, यह आया तो हमारा 12 पंजे 60 है, प्लस का 16 पंजे 80 बी बराबर 13 चौक 52 है, प्लस 24 चौक 96 बी। सही है, अब देखो ये इधर माइन प्लस के हैं, इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक, तो कितने बचेंगे 8m से 60 में से 52 गए 8 बराबर, ये इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, कितने बचेंगे 16 बी, तो 8 एगन 8, 8 दूनी 16, एम अपॉन बी बराबर हो जाएगा 2/1। एक आदमी एक दिन में दो काम करेगा और एक बच्चा एक दिन में एक काम करेगा। अब देखो तुलना कर दो, क्या जा रहा तुलना कर, चाहे तो इस समीकरण ले लो चाहे इसको ले लो। सही है, तो अगर हमने इसको लिया तो हम क्या लिखेंगे, 12m प्लस का, चलो पहले इसको लिया था, इस वाले को, इस वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, 13m प्लस का 24b इंटू का 4 दिन बराबर, हमें कितने लेने हैं 7 आदमी लेने, तो 7m प्लस का 10b इंटू x दिन। सही बेटा, अब देखो वैल्यू रखते हैं, m की वैल्यू कितनी है 2, तो 13 दूनी 26, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, तो 24 इंटू का 4 बराबर, m की वैल्यू कितनी है 2, तो 7 दूनी 14, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, तो 10 इंटू एक्स, ये आ जाएगा तुम्हारा 6 4 10 का 0 हासिल, 1 2 2 4 और 1 5, 50 गुणा 4 बराबर का 24 गुणा एक्स, 4 छिंग 24, 2 3 6 और 2 से 25 बार कैंसिल। सही है, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 25 बटे 3, 3 8 24, 8 सही 1 बटे 3 दिन में, कितने दिन में करेंगे 8 सही 1 बटे 3 दिन में। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट करें, स्टार लगा देंगे। सही है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दूं इसे, हटा देते हैं तो इसे,
देखें अगला क्वेश्चन फटाफट क्या है। देखें, दो आदमी और तीन महिला यानी औरत किसी कार्य को मिलकर, या ऐसे लिख लो दो आदमी और तीन औरत, दो आदमी और तीन औरत, अथवा चार आदमी अथवा चार आदमी किसी कार्य को बीस दिन में कर सकते हैं तो तीन आदमी और तीन औरतें इसी कार्य को कितने समय में करेंगे। ओके बेटा, देखो क्वेश्चन समझो, ये कह रहे हैं दो आदमी और तीन औरत, ठीक है, दो आदमी और तीन औरत यानी मिलकर, अथवा चार आदमी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। इनके कहने का मतलब है अगर दो आदमी और तीन औरत मिलकर करेंगे तो, और केवल चार आदमी करेंगे तो किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी कि दो आदमी प्लस तीन औरतों का काम चार आदमियों के बराबर है। सही, दो आदमी प्लस तीन औरतों का काम चार आदमियों के बराबर है। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक आदमी और एक औरत का काम निकाल देंगे, तो चार इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और ये उधर आएंगे तो माइनस के, तो 2m बराबर का 3w, तो m अपॉन w बराबर आ जाएगा 3/2, यानी एक आदमी एक दिन में तीन काम करेगा और एक औरत एक दिन में दो काम करेगी। अब देखो तुलना कर दो, चाहे तो इसे ले लो और चाहे केवल इसे ले लो, तो केवल इसे ले लेंगे तो आसानी रहेगी, ये दो दो क्यों लेके घूमें, और इन्हें ले लो। तो देखो 4m इंटू कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में, सही, 4m इंटू का 20 बराबर 3m प्लस का 3w इंटू का x, सही है, 3m इंटू 3w बराबर का x, सही है। तो देखो अब हमने तुलना की तो m की जगह m की वैल्यू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 20, 4 × 3 = 12 बराबर, यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस का 6 इंटू एक्स, सही है, तो हो जाएगा तुम्हारा 12 × 20 बराबर 12 × 6 = 18 × x, सही है। अब देखो 3 × 4 = 12 और 3 × 6 = 18, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 40 = 3x, तो x और क्या आ जाएगा, 40/3 = 13, सही 1/3 दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, 13/1/3 दिन में, ठीक। देखो दो आदमी और तीन औरत, तो दो आदमी और तीन औरत जितने दिन में करेंगे उतने दिन में चार आदमी करते हैं, तो यहाँ से हमने रेशियो निकाल दिया और यहाँ से सॉल्व कर दिया, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 13/1/3 दिन। आशा करता हूँ सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा, आज इतना ही करते हैं, इसके आगे अगली कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें और डेंगू से बचें, बुखार से बचें, वायरल से बचें, सही बेटा, कल करते हैं इससे आगे, सभी लोग वीडियो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और इससे पहले जो दो तीन छोटी छोटी वीडियो डालेंगे उनसे क्वेश्चन देख के शॉर्ट ट्रिक यानी कि लॉजिक सीखेंगे, सही है।